एंड आई थिंक दीदी जो बड़ौदा में पहला सत्संग हुआ था फॉर किड्स एंड टीन्स यूथ सत्संग, तो वो भी आपने ऑर्गेनाइज किया था, और सत्संग को लेके आना वो भी यूथ को, तो कई सारे एक्चुअली यूथ थोड़ा। हाँ, तो वो ना जैसे अभी उस पहली बार मेरे को पहला विचार था बच्चों का सत्संग, क्योंकि तब तक है ना लाइक व्हेन वी हैड किड्स सत्संग, दिस यस कोर्स मेधा योगा प्रोग्राम वाज नॉट इन्वेंटेड. सो वी हैड फर्स्ट किड्स सत्संग इन अहमदाबाद. तो दैट वाज माय आइडिया कि जैसे हम बड़ों का सत्संग करते हैं तो एक बच्चों का कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजर देयर वे लाइक नॉट मोर कन्विंस्ड विद द आइडिया. जैसे अरे बच्चों के सत्संग में क्या करेंगे, और बच्चे इतने सारे 2-3 हज़ार बच्चों को संभालेगा कौन. मैंने बोला एक बार करके देखते हैं, तो ज्यादा हाँ नहीं आई. तो मैंने फिर क्या किया, व्हेन आई मेट गुरुजी, आई डायरेक्टली आस्क्ड हिम कि गुरुजी आई जस्ट हैड अ थॉट कि कैन वी हैव ओनली किड्स सत्संग. तो गुरुजीज आईज वेर लाइक यस वी कैन हैव इट लाइक दैट, ऐसा था. तो हाँ हाँ कर सकते हैं. तो मैंने बोला ऑर्गेनाइजर्स हैड अ थॉट कि इतने सारे बच्चे कैसे, क्या लगता है. मैंने बोला गुरुजी आप हो तो कुछ भी पॉसिबल है, हाँ तो कर लो. तो हम लोगों ने आई स्टिल रिमेम्बर देयर 3,000 किड्स, ओनली किड्स, एंड वी हैड अ जैम पैक सत्संग. पेरेंट्स को दूसरे पंडाल में बिठाया था, एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड फाइन, एंड वी हैड लाइव क्वेश्चन आंसर्स. ओके सो वहां पे आई जस्ट थॉट कि गुरुजी कैन वी हैव लाइव क्वेश्चन आंसर्स. तो ऑर्गेनाइजर्स बोले अरे क्या पूछेंगे छोटे छोटे बच्चे, फ्यू वेर 8 years ओल्ड, लाइक एवरीबडी वेर अप टू 15-16 years ओल्ड. तो वी हैड लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस, एंड सो ब्यूटीफुली गुरुजी आंसर्ड. आई स्टिल रिमेम्बर वन क्वेश्चन कि एक बच्चे ने पूछा था कि गुरुजी आपको सुदर्शन क्रिया कैसे आई. तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हाउ गुरुजी इज गोइंग टू एक्सप्लेन हिम. बिफोर माई थॉट गेट्स कंप्लीट, गुरुजी सेड अरे पहले ही मुझे ये बताओ तुम्हें साइकिल आती है. तो द चाइल्ड सेड हाँ. तो बोले तुम्हें साइकिल कैसे आई, बोले वो तो मेरे को आ गई. तो गुरुजी ने बोला हाँ, तो सुदर्शन क्रिया भी मुझे वैसे ही आ गई, समझ में आया. तो वो था हाँ हाँ मैं समझ गया. एंड वी वेर लाइक अमेज्ड, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ही आंसर्ड सो नाइसली दैट चाइल्ड एट दैट एज कैन अंडरस्टैंड हिम. तो मैंने पहली बार ऐसा रियलाइज किया कि गुरुजी कम्स टू दैट पर्सन एज एंड देन कनेक्ट्स. तो वो यूथ सत्संग भी जब किया ना, तो वो वैसे ही किया कि अपने को कुछ करना तो है नहीं. उन्होंने हाँ करी, मतलब उनका संकल्प जुड़ गया, और संकल्प गुरु का जुड़ जाता है ना, तो मुझे पता है कि इट इज एफर्टलेस. तो That is how it all started happening. No big big events happened, and which I never thought in my life that I could do it. And still, I feel I have not done it. It was definitely somebody else who did it, or I was just an instrument. जैसे यूथ सत्संग भी ना एक ऐसे विचार ही था. I still remember इंदौर का सत्संग था एमपी में, और गुरुजी was getting fresh. और फिर सत्संग का समय हो गया था. मेरे को ना सुबह से ऐसा विचार आ रहा था कि ऐसे सत्संग तो हम बहुत करती है, हम ना एक यूथ के लिए नहीं कर सकते अलग से. तो मैंने इसे डायरेक्टली गुरुजी को पूछा कि गुरुजी कैन वी हैव जस्ट सत्संग फॉर यूथ. तो द सेम शाइन आई सॉ इन हिज आईज, द शाइन आई सॉ फॉर द किड्स सत्संग, ही सेड ओ यस वी कैन डेफिनेटली डू इट, कर सकते हैं ना. तो मैंने कहा कि उसमें ना गुरुजी यूथ ही. तो तब है ना जैसे हमारे मेगा इवेंट में भी वी वर एक्सपेक्टिंग जैसे 50,000 लोग आ गए लाइक तो मैंने कहा जहाँ 30-35 हज़ार यूथ ही हो, वेर यू ओनली डायरेक्टली एड्रेस देम. तो ही सेड यस करते हैं. तो मैंने कहा कि एनीवे वी हैड बरोडा सत्संग डेट्स ऑन हैंड, तो मैंने तभी कर सकते हैं गुरुजी. बोले हाँ हाँ अगर तब तक कर सकते हो तो कर लो. तो आई केम बैक टू बरोडा एंड आई केप्ट दिस थॉट फॉरवर्ड. बट एज यूजुअल वो किड सत्संग में जैसा हुआ कि कैसे हो सकता है दो सत्संग साइमल्टेनियसली सेम डे. तो वो फंड एंड वॉलंटियर्स टीम, तो आई सेड गुरुजी हैव सेड यस. सो दे सेड टू हुम, आई सेड टू मी करो फिर. तो और मुझे कभी अकेला नहीं लगा,
अगर गुरु जी ने हाँ कर दी ना तो मुझे लगता है कि बस पूरा जहां साथ में है, तो मैं अड़ जाती थी ऐसे कि अब तो ये करना है, गुरु जी हैव सेड यस, तो कर लिया. यू नो इन एमएस यूनिवर्सिटी वी वर्क्ड सो हार्ड और आई केम बैक एंड फिर यहाँ अनिरुद्ध भाई है जो यू नो ही इज वन ऑफ आवर यू नो ऑर्गेनाइजर्स टीम एंड यू नो सेंटर पर्सन, तो उनसे बात किया तो बोले ठीक है करो, पर फंड का क्या करेंगे, मतलब थोड़ा नहीं यू नो कर लेंगे जनरेट करके, वॉलेंटियर्स का क्या करेगी. तो मैंने बोला कि आई जस्ट गॉट मैरिड एंड केम हियर सो आई डोंट नो एनीबडी. ठीक है, तो मैंने बोला कोई तो देना पड़ेगा ना आपको, तो बोले ठीक है दो वॉलेंटियर्स देते हैं, उसमें जितना होता है कर ले. वो दो वॉलेंटियर्स जब फर्स्ट डे मिले मुझे, वो था टीचर्स नाउ, सो उसमें एक अरविंद भैया है, तो आके बोले कि अरे कुंजल, मैंने बोला कि आप लोगों ने क्या क्या किया है अभी तक, बोलते हाँ उधर ही इधर से ले जाते हैं, वो फोन आता है वो स्पीकर लगा देते हैं ये कर. मैंने बोला अरे बाप रे, बोले हाँ हम तो ऐसे ही है, पर तुम जो बोलेगी ना हम वो सब करेंगे. तो वो रेडीनेस था उनमें दोनों में, और हम जो लग गए. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि आई आस्क गुरुजी कि गुरुजी हम थोड़ा जल्दी आ सकते हो आप 4:30 बजे, तो बोले क्यों. मैंने बोला वो लाइट्स का ज्यादा बजट नहीं है, तो वो अंधेरा होने से पहले ना वी कैन फिनिश द सत्संग. तो ही सेड ओके एंड ही सेड यस ऑल्सो, मतलब गुजरात की इतनी गर्मी में 4:30 बजे का टाइम. और पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, हमने काम बहुत किया पर वो लाइव इवेंट ही था कि एक बार होगा तो पता लगेगा कितने आते हैं. और यूथ का ना हम ऐसे कॉन्फिडेंटली ऐसे कैसे कहे कि ये सारे, पर वो अरविंद भैया वगैरह पूछते थे आर यू श्योर कुंजल कि हो जाएगा, और आपने इतना बड़ा यू नो पंडाल बनाया है, इसमें से तो 30,000-35,000 बच्चे बैठेंगे, लगता है इतने बच्चे आ जाएंगे. तो मैंने बोला हाँ, मैंने ना गुरुजी को बोला था कि 30,000-35,000 का ऐसा बड़ा सत्संग करते हैं, और गुरुजी ने कहा हाँ हाँ करो. तो गुरुजी ने बोला हाँ हाँ करो, मतलब 30,000-35,000 तो पक्का आना है. अरे पर थोड़ा सा हम ना छोटा बनाएंगे फिर 30-35,000. मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने 30-35,000 में हाँ बोला है, लेट्स जस्ट डू इट. तो हमने उतना बड़ा एक्चुअली कवर किया, और फिर पता नहीं यू नो 34,000 यूथ एक्चुअली अटेंडेड द मीटिंग. सो इट वॉज सो 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 अमेजिंग, एंड फर्स्ट टाइम इन सो मेनी ईयर्स आई सॉ गुरुजी शेयरिंग हिज स्टोरीज बीइंग अ कॉलेजियन, कि वो कॉलेज में थे तो कैसे थे, और उनका हाँ स्टोरीज याद है वो. Yeah, few like I remember one, you know, we had live question answers. तो एक बच्चे ने कहा कि did you have friction with your parents? कभी उन्होंने आपके कोई decision को नकारा है? तो गुरुजी ने शेयर किया था कि हाँ मुझे याद है कि यू नो जब मेरे पिताजी ध्यान वगैरह कराते थे तो किसी मिनिस्टर के वहां से ही वॉज बीन इन्वाइटेड, तो ही वॉज गोइंग फॉर दैट. तो मैंने पिताजी को कहा कि उनको ध्यान सीखना है ना तो उन्हें आना चाहिए आपके पास. तो मेरे पिताजी ने कहा अभी तू मुझे मत सिखा, ठीक है, जैसे तुम्हारे पिताजी तुमको बोला करते होंगे, ऐसे गुरुजी वॉज टॉकिंग टू हिम. तो फिर पिताजी ने कहा अच्छा उनको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? बोले अरे नहीं आ सकते तो आपके लिए गाड़ी भेज देते थे, यू नो ध्यान उनको सीखना है तो उतना वैल्यू अगर वो देते हैं तो मुझे ना मेरे पिताजी ने चुप करा दिया. पर एक दिन ऐसा आया, उसी मिनिस्टर के घर से मुझे इनविटेशन आया मेडिटेशन के लिए, और बकायदा गाड़ी भी आई, और मैं भी थोड़ा कम थोड़ी था, मैंने जैसे दरवाजा खोल के अंदर बैठने गया ना, पिताजी की तरफ एक नजर डाल दी मैंने, सी लाइक दैट यू नो. सो ही वाज एक्चुअली मेकिंग सच फेसेस कि मैं दरवाजा खोला और मैं बैठने गया और मैंने पिताजी की तरफ देख के बोला सी वहीं से गाड़ी भी आई लाइक दैट, और मैं बैठ गया. बोला ऐसे सब होता रहता है ना इस एज में लाइक दैट. ही शेयर्ड लॉट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस, मतलब मुझे मतलब टीनेजर्स को लगता है कि जैसे उस टाइम मुझे लगता था कि यू नो गुरुजी इज जस्ट लाइक मी, यू नो ही थिंक्स लाइक मी, ही बिहेव्स लाइक मी. और वो बच्चे वो सत्संग के बाद बोले दीदी गुरुजी तो ना मेरे जैसे ही है, आप तो बोलते थे गुरुजी इतने बड़े हैं. नहीं नहीं आप गलत हो,
गुरु जी तो मेरे जैसे ही है. सो चाइल्ड यू नो चाइल्ड केम एंड शेयर दिस टू मी, गुरु जी तो मेरा 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 फ्रेंड है, यू नो लाइक दैट. And he was in so much in his gala mood, you know. एक होता है ना गुरुजी का एक एकदम गाला मूड होता है, मतलब we had just 20 minutes with him and I still remember कि he entered satsang 4:40 or 4:45. तो हमको लग रहा था कि 20 minute के बाद गुरुजी will leave. गुरुजी left at 6:20 and 6:30 quarter to 7 was our main event satsang time. In between he had to visit to you know one or two events like somebody's place. और मेरे को ये टेंशन मची थी कि आगे वाले पता नहीं क्या यू नो लाइक दैट. और फिर वो हम लोग गुरुजी अंधेरा हो गया था एंड गुरुजी वाज स्टिल इन दैट गाला मूड, यू नो ही वाज स्टिल इन दैट फ्लो ऑफ शेयरिंग. या तो फिर मैंने कहा कि धीरे से कि गुरुजी 6:20 हाँ हाँ लाइक दैट ही वाज. तो फिर हाँ 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 लाइक दैट सेकेंड वॉज लाइक दैट. तो बोले अच्छा फिर विल कीप मीटिंग. तो वैसे करके दैट वाज द फर्स्ट यूथ सत्संग. तो आई वाज सो हैप्पी. और वो अंधेरे मतलब मुझे पता है कि वो वीडियो में ना अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है इतना अंधेरा हो गया. हमने लाइट्स नहीं लगाई थी क्योंकि हमको पैसे बचाने थे. मुझे याद है बैकड्रॉप भी हम लोगों ने अपने आप पेंट किया था टू सेव मनी, यू नो. तो हमने भी इतनी मेहनत करी थी. एंड ऑफ द इवेंट फ्रॉम टू वॉलंटियर्स वी वर 70. So it was so amazing. So Guruji ne bol diya na, to wo hona hi hai. Agar hum apna dimag lagate hain, to definitely wo shrey hame nahi milega. Par wo hoga. Hum nahi to koi aur karega. But you know wo hona hi hai. This is what I've learned in this 25 years that he have his specific plans at specific time. You know, because 2006 jo hua na, वो बरसों पहले वो बोला करते थे हम लोगों को कि जैसे कई बार हम लोग ना ऐसे ही रूम्स में बैठेंगे या फिर कहीं बैठ के बातें कर रहे हैं तो गुरुजी बोले यहाँ कुटीर में बैठा करो कुछ सीखोगे. हाँ तो एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी हम लोग सुबह वॉक के लिए भी रेगुलर जाते थे मॉर्निंग वॉक. तो विश्वामित्री यू रिमेम्बर गुरुजी स्टेज द फर्स्ट रूम अबाउ ओल्ड विश्वामित्री उसी रूम में नीचे हम लोग रहते थे. तो गुरुजी विल कई बार हम लोग लेट हो जाते थे तो गुरुजी विल नॉक द विंडो. तो हम लोग वी विल मेक हिम वेट फॉर 10 मिनट्स कि हम रश करेंगे थोड़ा. तो ऐसा तनुजा दीदी वगैरह हम लोग वेट कराना नहीं होता था पर कब रात को लेट उठे सोए सुबह लेट उठे. तो वन डे ही सेड सी यू पीपल आर मेकिंग योर गुरु वेट. ऐसा ना हो कि कभी यू पीपल हैव टू वेट इन द लाइन एंड देन यू विल क्राई. तब तक तो कभी शक्ति कुटीर के दरवाजे बंद नहीं देखे थे पर पहली बार जब बंद हुआ और पूछना पड़ा किसी को कि प्लीज आस्क हिम कैन वी सी हिम उस दिन बहुत रोना आया था. एग्जैक्टली व्हाट ही सेड हैपेंड. और फिर वो बोलते थे कि इतने सारे लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं ना. एक जब हम 100 लोग सत्संग में होते थे ना तो उस दिन एक बार अचानक ही सेड यू नो 2006 वी आर गोइंग टू हैव अ मेगा इवेंट. तो उसमें लाखों करोड़ों लोग बैठे होंगे और ऐसे तुम सोचोगे ना कि गुरुजी को देखना है तो इतना सा दिखेगा दूर से और ऐसे बायनोक्यूलर से आप लोग देखोगे. तो हम लोग सोचते थे पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं गुरुजी क्योंकि आश्रम वॉज 25 पीपल मेगा सत्संग वॉज 100 पीपल हियर और हमको समझ में नहीं आ रहा था. बट फर्स्ट ये जो 2006 वाला देखा एंड देयर ही इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिल्ली वाला WCF की ऐसा भी करेंगे तो तब बिल्कुल कोई डाउट नहीं था. हमको लगा 2006 हुआ तो वो भी होएगा यू नो. सो आई हैव सीन दैट ही हैव हिज प्लान्स ऑलरेडी मतलब तब से अब तक फॉर एवरीबॉडी यू मी दिस वर्ल्ड दिस यूनिवर्स. पर हम जितना कर लेंगे तो हम भागी है. बाकी तो होना तो है ही इट्स प्लान इट्स फिक्स्ड. So, वो you know this happened and I think 99 में yes course came up. At that time course का नाम था young adult program. So that also has a story how it came up. You know in 99
वी वेर ट्रैवलिंग विद गुरुजी. तो जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आर्ट एक्सेल कोर्स में खत्म होते ही मुझे ऐसा लगता है कि इनको मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा. तो कुछ बच्चों से मैं इतनी कनेक्ट हो गई थी ना कि कई बार कैसा होता है कोर्स नहीं होता ना तो आई विल गो एंड मीट देम. तो चंडीगढ़ वॉज दैट प्लेस फॉर मी कि मैं वहां पे कई बार ना बच्चों को मिलने जाती थी. तो उस टाइम ना मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो मैं ऐसे ही वहां जब पहुंची तो मेघल भैया का फोन आया दिल्ली से कि गुरुजी सेड कुंजल को फोन करके बोलो कि दिल्ली आ जाए. तो मैंने बोला कि क्यों? तो बोले कि अरे गुरुजी को क्यों कैसे पूछेंगे, उन्होंने बोला आ जाओ. मैंने बोला ठीक है. तो मैं अभी पहुंची थी और मैंने बोला आपको कैसे पता कि आप मैं इधर हूँ? तो बोले गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुम कुंजल को फोन लगाओ. तो मेरे को पहला विचार ये चंडीगढ़ का आया और उन्होंने जिस घर में फोन लगाया ना मैंने उठाया. सो इट वॉज सच अ कोइंसिडेंस. राइट अवे आई टुक अ ट्रेन एंड आई केम टू दिल्ली एंड व्हेन आई मेट हिम गुरुजी सेड यू नो वी आर लिविंग फॉर मंगोलिया एंड रशिया, वी हैव अ सत्संग देयर, सो यू आर कमिंग फॉर दैट सत्संग. तो मैंने बोला ठीक है. बोली मेघल भी आ रहे हैं, विक्रम भी आ रहे हैं, भानु दीदी भी आ रहे हैं. तो मैंने कहा कि ठीक है. सो ही सेड डू यू हैव क्लोज फॉर 15 डेज? सो आई सेड या 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 आई. तो बोले कि ठीक है, तो तुम्हारा पैकिंग डन है? मतलब पैकिंग मुझे लगा कि क्या करना है, मतलब 15 दिन के कपड़े हैं और हो जाएगा. तो वी वेयर टू लीव. ही सेड आर यू रेडी? आई सेड यस. और फिर तब इतना कुछ समझ नहीं रहा था, लाइक यू नो, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वहां का वेदर अलग होता है यहाँ का, इतना सोचा ही नहीं. बोला पैकिंग हो गया है? मतलब हो गया है. और फिर जैसे हमने लैंड किया, लाइक अच्छा पहले तो हम जब व्हेन वी टुक द फ्लाइट, तो व्हेन वी वेर बोर्डिंग, तो गुरुजी टुक हिज सीट और आई जस्ट क्रॉस्ड हिज सीट एंड वॉज मेरा पीछे था थोड़ा. तो ऐसे गुरुजी के हाथ में कुछ पेपर थे और ऐसे पढ़ रहे थे. जाते जाते अच्छा सुनो ये ना पेपर्स ले जाओ. तो मैंने ले लिए. एंड ही सेड जस्ट रेफर इट. ओके आई सेड ओके. तो जब हम उतरे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी वाज तुमने वो रेफर कर लिया? आई सेड हाँ कर लिया. अच्छा ठीक है, यू नो दैट इज द कोर्स वी आर गोइंग टू हैपन हियर फॉर द टीम्स, देन वी विल टॉक क्या करना है. ठीक है. तो मेरे को पहली बार चमकी कि अच्छा ये कोई टीनेजर्स का दूसरा कोई कोर्स है. तो वो 3 पेज का था जो मैंने आज तक संभाल के रखा है, जो गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था. तो दैट वाज द कंप्लीट फॉर्मेट ही गेव मी दैट दिस इज हाउ डे 1 डे 2 डे 3 लाइक दैट. तो और फिर जैसे हम बाहर यू नो फ्लाइट से बाहर निकले तो माइनस. मैंने बोला अरे मैंने तो कुछ लिया ही नहीं ठंड का. तो यू नो ही टर्न बैक लुक्ड एट मी एंड सेड अरे वो पेपर बैग कहाँ रखा देखो. तो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम पेपर बैग. गुरुजी को जैसे दिया तो बोली नहीं कुंजल को दे दो. तो मैंने देखा देखो तुमने तो स्वेटर लिया नहीं था, लिया था? तो मैंने बोला नहीं. मुझे इतना अंदर से ऐसा लगा कि यू नो ओनली यू नो फादर एंड मदर कैन टेक सो मच ऑफ केयर. कि एक माता पिता जितना जानते हैं ना बच्चे को अंदर से बाहर से कि ये कि, मतलब हाउ मच शी अंडरस्टैंड्स एंड हाउ मच शी नोज. तो गुरुजी न्यू. मैंने फटाफट बोले निकालो चलो फटाफट पहन लो. और बोले उसमें थर्मल भी है, थर्मल भी लगते हैं यहाँ पे. सो इतनी छोटी सी चीज ही रिमेम्बर्ड. ही आस्क्ड समबडी टू गो एंड गेट इट फॉर मी, like socks, cap, sweater, shawl, thermals. तो you know मुझे ऐसा इतना मतलब I was speechless कि oh my god. You know, so फिर तुरंत हम वहां पे गुरुजी का live press conference होने वाला था. So we attended that and then went for satsang. Satsang भी जैसे और हम लोग ऐसे हमारे चेहरे थे कि बस. और गुरुजी इतने ब्राइट और इतना एनर्जेटिक कि ऐसा लगे ट्रैवलिंग हम लोग ही करके आए हैं, वो तो यही थे. ही वाज सो फ्रेश एंड यू नो इन सत्संग आल्सो. और हम लोग इंडिया से ना
वो ढोलक भी लेके गए थे, तो मुझे लगा कि वहां पे देना होगा इन द सेंटर। जैसे सत्संग शुरू हुआ तो वो यू नो मंगोलियन कोई बंदा ऐसे लेके आया ढोलक को और फिर खड़ा हो गया आगे, तो हम में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, विक्रम डी डांसर एनीथिंग, मेघल बिहारी डांसर, भानु दीदी, तो ही सेड गुरुजी, तो गुरुजी ने इशारा किया इसको दे दो, तो मेरे आगे लाके रख दिया। तो मैं सोची किसी और को बोल रहे हैं आगे पीछे, मुझे तो कोई सुर का ना ज्ञान ना ताल का कोई ज्ञान, तो मैं थोड़ी सरक गई, मैंने बोला किसी और के लिए बोल रहे हैं तो प्रोबेबली आई एम इन द रॉन्ग प्लेस। तो गुरुजी बोले आई एम टॉकिंग टू गिव यू, ओके जस्ट होल्ड इट। मैंने ले लिया और फिर आई वॉज कम्प्लीटली यू नो कि अब क्या करना है। तो गुरुजी बोले कि बजाना है, ऐसे ठीक है, एंड गुरुजी क्लोज्ड हिज आईज और विक्रम अपना गिटार सेट कर रहा था, ठीक है, एंड वी ऑल नो ही सो प्रिसाइज अबाउट हिज यू नो ऑल सेटिंग्स। तो मैंने उसको धीरे से ऐसे कोनी मार के पूछा, अरे ये तो बता दो लेफ्ट कौन सा होता है राइट कौन सा होता है। तो ही लुक्ड एट मी लाइक दिस एंड सेड, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम बजाने वाली हो लाइव सत्संग में। मैंने बोला इच्छा तो नहीं है, रवि गुरुजी ने बोला है तो आज तो मैं ही बजाऊंगी। तो ही सेड ये लेफ्ट ये राइट, तो बोले देख मेरा ना सुर पकड़ के तुम बजाते रहना ऐसे। ही टॉट मी कि एक हाथ से टक 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 ये पकड़ के चलना मेरे सुर में। तो मैंने बोला कि सुर मेरे को कुछ समझता नहीं है, मैं जो बजाऊं वो सुर तुम पकड़ लेना। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि यू नो वी आर सच रॉ मटेरियल्स एंड गुरु कैन टैग यू एट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड पुट यू लाइक दैट यू नो। अभी आप बजाते हो सच में? वो तब बजाया था और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बज रहा है, और मेरे को गुरुजी से भी ज्यादा डर विक्रम का लग रहा था कि ही विल गेट अनॉयड कि ये क्या सब यू नो बिकॉज ही इज ऑलवेज वेरी प्रिसाइज अबाउट हिज सेटिंग्स। तो मैं बार बार उसको देख रही थी, तो मेरे को ऐसा इशारा करे तो मुझे स्लो फास्ट समझ में, मुझे धीरे से बोलते तू ना धीरे बजा बस। तो मैं सोचा कि लेट मी नॉट डिस्टर्ब हिम। तो फिर जैसे सत्संग खत्म हुआ तो लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी सो मेलोडियस यू नो इट वॉज इज दिस इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने बोला ले विक्रम ये तो मेरे को ही पूछ रहे हैं यू नो सो सिंगर वॉज हिम। तो उसके बाद ये तो ट्रेंड हो गया, मतलब गुरुजी जहां जहां जा रहे थे लाइव सत्संग हो रहे थे, मैं जहां जाके बैठूंगी ढोलक वहीं आ जाएगा। फिर विक्रम मुझे लगता है विक्रम का भी टॉलरेंस थोड़ा बढ़ गया होगा, और इट वॉज जस्ट कम्प्लीट ग्रेस आई टेल यू। यू नो वो लाइव सत्संग को मैंने जब सुना तो ऐसा लग रहा था कि मैं जो बजा रही थी और जो सुन रही थी कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली मैं बजा रही थी इसलिए मुझे पता है कि वो जो मैं सुन रही थी वो नहीं बज रहा था। सो इट इज सच अ ग्रेस यू नो दैट इज व्हाई आई सेड दैट डे आई यू नो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि everybody each of us are raw materials you know and we are being tagged as a finished product and that risk he takes you know. Wow. So it is just grace, everything around is grace. Aur wo jab khyal rakhte hai na to itna khyal rakhte hai mummy papa jaisa, to aisa lagta hai ki guru ji ko guru kahe ya do I call him you know mother and father like that. So kabhi aisa lagta hai is complete human form where he takes like you know takes care more than parents ki kya khaya kya nahi khaya kapde matlab I didn't bring sweater imagine so there is no words. He is a human form but he is beyond being human you know. So ऐसे व्यक्ति जो कहीं अकेले ट्रैवल नहीं कर पाते थे टू अ पर्सन जिन्होंने पूरे विश्व में कई सारे देशों में ट्रैवल किया। कौन से देश गए हो दीदी? जस्ट टू आस्क हाउ मेनी कंट्रीज कहाँ कहाँ गए? आई हैव बीन टू मंगोलिया दिस रशिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज टू ओमान बहरीन
वेर एल्स, दुबई, अबू धाबी एंड या काइंड ऑफ या एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग वहां पे जाना, कोर्स सिखाना, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? With you know period of time, I realized that actually we are not doing anything. क्योंकि मुझे हमेशा ना बार बार गुरुजी को कभी भी मैं पूछूं कि क्या कराना है, तो वो बोले अरे तुम्हें कहाँ कुछ कराना है, तुम जाओ और बैठो, just go and be there. So I learned that anyway we don't have to do anything. And when we are sitting there in that format, कि I am doing nothing, so everything goes perfect in perfect. फ्लो. सो जब वो समझ में आ गया, फिर आई नेवर फेल्ट कि आई एम सिटिंग इन अ विलेज और आई एम इन अ सिटी, इज इट अ मेट्रो, इज इट इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, लाइक दैट यू नो, बिकॉज यू जस्ट बी देयर, दैट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑलवेज. गिरी इतना सारा अनुभव, उस वक्त भी परिवार को संभालते संभालते कोर्सेज सिखाना, अभी भी आपके ट्विन्स हैं, क्या एज होगा आपके बच्चों का अभी? They are 10 now. 10. दो बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना, और उसके साथ अभी भी आप वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग टीचर्स में से एक हो. Yes. तो कैसे मैनेज कर लेते हो? व्हाट इज योर सीक्रेट? गुरुजी इज माय सीक्रेट, आई वुड से ऑलवेज, बिकॉज यू नो मुझे याद है कि जब I had my kids, they were very small. और generally ऐसा होता है ना कि साल में दो तीन बार गुरुजी को मिलते हैं. तो that was that were years like when I conceived, then those 9 months, and then kids were 6 months old until I didn't meet him. So that was my first stretch of period when I couldn't see him the whole year. तो पहली बार गुरुजी जब गुजरात आश्रम दिवाली में आए, my kids were 6 months old. So I thought and I took it that way कि गुरुजी को पता है कि कुंजल तो अब नहीं ट्रैवल कर सकती है, तो लेट मी जस्ट गो एंड बी देर. तो आई टुक इट पर्सनली कि मेरे लिए ही आए हैं, मैं इतना तो बच्चों को लेके, सो यू नो ही लुक्ड एट मी, बच्चों को इतना अच्छे से यू नो, एंड देन फर्स्ट थिंग ही सेड बहुत थकी हुई लग रही है, तो मैं रोने लगी. आई हैड टू मेनी थिंग्स टू टेल हिम, बट आई हैड अंडरस्टूड कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ही जस्ट अंडरस्टैंड्स यू विदाउट पुटिंग इट इन वर्ड्स. तो चाहती थी कि नहीं रो, पर पता नहीं टीयर्स वेर रोलिंग डाउन, नॉट स्टॉपिंग. तो गुरुजी बोले कि देखो तुमने आराम ही नहीं किया, एक काम करो है ना, तुम यहाँ गुजरात आश्रम आ जाओ और जब भी तुम्हें मन करता है जस्ट बी हियर एंड रिलैक्स, तुम अपना मायका ही समझो, टेक इट एज योर प्लेस, योर ओन होम. और मुझे और भी रोना आ गया क्योंकि आई ऑलवेज केप्ट हिम, यू नो ही इज माई फादर, ही इज माई मदर. तो उन्होंने जब कहा तो ऐसे आंसू रुके ही नहीं मेरे, और वहां पे प्रसून भैया थे, मौलिक भैया थे, दे वर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम. तो ही सर देखो ये जब भी यहाँ आती है ना तो मेक हर फील एट होम, तो ऐसा ही मेड श्योर कि बोल के भी गए. तो मैं फिर जब भी आश्रम गुजरात आश्रम जाती थी तो मुझे लगता था कि यू नो दिस इज माय प्लेस एंड यू नो, और एक्चुअली मैं वहां जाके ऐसे ही सिर्फ बैठती थी और मुझे इतना रिलैक्स होता था, आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स एंड ऐसा लगता था कि घर आ गई नो. सो एंड ही ऑलवेज टेकन केयर एज पेरेंट्स, मम्मी पापा की तरह टेक केयर किया है और बोला भी है कि यू नो, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यू नो गुरुजी को मैं बोलूं, पर जैसे मैं कई बार ना ज्यादा वर्ड्स में कुछ नहीं, बिकॉज आई व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ही इज कैचिंग माय थॉट्स, तो मैंने तब से कुछ ज्यादा बोलना छोड़ दिया. आई वुड जस्ट थिंक एंड ही विल कनेक्ट. तो मैंने ऐसे मन में सोचा कि ओनली यू नो पेरेंट्स कैन टेक सो मच ऑफ केयर. तो तुरंत गुरुजी ने बोला हाँ हाँ मैं ही हूँ, नो आई एम योर मदर, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ, ठीक है. तो जो सोच रही है ठीक ही है,
एंड यू नो आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स हाउ आई फेल्ट एंड यू नो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एट दैट मोमेंट व्हाट वाज माय स्टेट ऑफ माइंड when he actually spoke and kept it in words like that, you know. So, फिर दो बच्चों के साथ, you know, कई लोग पूछते हैं कि you didn't have maid, you didn't have cook, क्योंकि भरत भैया said कि, you know, गुरुजी always said कि बच्चों को खुद ही पका के खिलाओ, बच्चों के लिए you should not keep maids, उस खुद देखो. तो पता नहीं कैसे कर पाती थी. Still people question me and I have no answer. कर लेती थी. तो यू नो हर साल गुरुजी आने लगे गुजरात आश्रम. तो व्हेन ही केम नेक्स्ट ईयर तो किड्स वर लाइक ऑलमोस्ट क्वार्टर टू टू. तो गुरुजी सेड सब कैसा है. मैंने बोला कि योर ग्रेस गुरुजी, यू नो. सो ही सेड बच्चे, मैंने बच्चे भी ठीक हैं. तो ही सेड सब कर लेती है. बोला गुरुजी इतना कुछ तो आप कर लेते हो, तो मेरे भाग तो कुछ ही चीजें आती हैं. बट आई एम वेरी मच श्योर दिस आई एक्चुअली टोल्ड हिम. ओके, वी वर इन द सेम कार. और मैंने कहा कि गुरुजी सब कुछ आप ही, कितना कुछ तो आप कर लेते होंगे, तभी मैं कर पा रही हूँ अकेले. सो आई स्टिल कैन नॉट से आई एम अलोन. तो आई ऑलवेज फेल्ट कि सम एनर्जी वॉज देयर, कि मैं थकती नहीं थी, यू नो आई कुड मैनेज इट. तो मैंने तब गुरुजी को बोला कि That is not me. आप for sure थे, तभी मैं कर पाई. वो श्योरिटी मेरे, मतलब इतना श्योरिटी के साथ मैंने कहा. गुरुजी looked at me and he smiled as if he's saying yes, you are right, like that. No, that typical smile he have and he closed his eyes like this. So, और फिर बिना सेवा के तो possible ही नहीं है कि दिन शुरू हो. तो कुछ तो करना ही है. तो ट्रैवल नहीं कर सकते बच्चों के साथ, तो आई थॉट लेट मी कनेक्ट टू सम प्रोजेक्ट्स. तो मैं घर से कर सकती हूँ बच्चों के साथ. तो आई कनेक्टेड विद VDS, मैं जितना भी कर सकती थी. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट साइमल्टेनियसली, जितना जो भी, मतलब जो भी काम आता था. मैं फिर आई वॉज वेरी मच श्योर कि आई एम होम, तो घर से मैं जो भी कर सकती हूँ. इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू स्टे हियर फॉर अ मंथ, आई कैन डू दैट. बिकॉज आई न्यू कि मैं जितना करूं कम है, क्योंकि मैं जितना पा रही हूं वो उससे बहुत 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 ज्यादा है. कितना भी करूंगी इट इज नॉट इनफ. सो दैट इज हाउ इट इज. दीदी कभी डांटा है गुरुदेव ने? गुरुजी ने ना दो बारी ना ऐसे जोर से मेरे को कभी, मतलब गुरुजी ऐसे बच्चों की तरह ही बात करते थे. और मेरे को भी ना हर चीज जब तक गुरुजी को नहीं बोल दूं, जैसे बच्चे का कैसा होता है कि कुछ भी अच्छा बुरा होता है आके मम्मी को बोलते हैं, तब उनको ऐसे थोड़ा ऐसा हाश होता है. मेरे को भी ऐसा ही होता था. मतलब पूरे आश्रम में, मैं आई स्टेड इन द आश्रम फॉर 2 years. पूरे आश्रम में कुछ भी होगा, और आश्रम में रहते हैं तो वी नो, यू नो. सो कुछ भी होता है तो मेरे को ऐसा है कब गुरुजी को बोलूं. तो गुरुजी ने कभी डांटा नहीं था. पर एक बार जब यू नो समथिंग स्पेसिफिक है, और मैं, मेरा ना ऐसा एक फेज आ गया था कि मैं पहले कभी, मैं मतलब आई नेवर स्पोक लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला. पर मैं जब किसी को, और मुझे ऐसा वो मैं सच बोलती हूँ, उसका भी एक ऐसा था कि मैं सच ही तो बोल रही हूँ, लाइक दैट, यू नो. तो मैं ऐसा बहुत तड़ और फड़ बोल देती थी. तो कुछ हुआ था एंड गुरुजी वॉज एक्सप्लेनिंग कि तुमने ऐसा बोल दिया. तो मैंने बोला हाँ बोल दिया. तो बोले ऐसे कैसे बोलती हो तुम. तो मैंने बोला मैंने कौन सा गलत बोल दिया, सही तो बोला था, सच था ना. तो बोले कि ऐसे बोलते हैं. और उनका थोड़ा ना वॉइस ऐसे सोर्स वॉइस था. तो मुझे लगा कि मुझे डांट रहे हैं. ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या किसी को. तो मैंने बोला कि फिर गुरु जी सच ही तो बोला. अरे सच भी अगर मीठा बोलने आता है तो बोलना चाहिए, नहीं तो मत बोलो, चुप रहो, लाइक दैट, यू नो. एंड यू कैन इमेजिन गुरुजी सेइंग कि इन दैट सोर्स वॉइस. तो बट देन आई फर्स्ट टाइम आई लर्न. उसके बाद ना मैं, और फिर ही गिव एन एग्जांपल कि अंधे को अंधा बोलोगे तुम, अंधा बोलोगे, लाइक दैट ही सेड. तो समझ में आया कि नहीं आया. मतलब समझ में आ गया. तो मैंने बोला सच नहीं बोलूं. अरे
ऐसा बोल रहे हम तो दिस इज हाउ ये उनका डांटना था मतलब यू नो, तो मैंने बोला आगे से ध्यान रखूंगी, हाँ ऐसा होना चाहिए आंसर, तो मैंने बोला आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। क्या समझ में आया बताओ मेरे को? मैंने बोला कि सच बोलना है तो मीठा बोलना चाहिए, और मीठा नहीं आए तो क्या करना है, ऐसे बोल रहे थे मैंने बोला तो नहीं बोलना चाहिए, आई विल कीप माई माउथ शट। हाँ तो हाँ एक बार डांटा भी था, जैसे वो सोर्स वॉइस के बाद भी एक बार, वो तो मैं भूल ही गई तो एक बार कहीं मुझे टॉक देनी थी, और दैट वाज नॉट कंपलसरी, सब बोल रहे थे तो अपने को भी लगा क्या बोलना चाहिए यू नो, तो इट वाज ऑप्शनल, पर फिर भी उठ के बोली, और गुरुजी बैठे थे उधर ओल्ड मेडिटेशन हॉल में झूले पे, और दो चार मतलब 5 मिनट बोली हुई मैं बोली रही, और फिर आई वॉज ओके, और मुझे ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ। फिर जब मैं गुरु जी को मिली शक्ति कुटीर में नेक्स्ट डे, बोले कल क्या बोल रही थी, तो मैंने बोला हाँ मैं मन में सोच रही थी कि क्या बोली क्या मालूम, हाँ याद भी नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो जरूरी था क्या बोलना, मन में मैंने सोचा सब बोल रहे थे तो मुझे लगा मैं बोल दूँ, हाँ सब करते तो मैं भी कर लूँ क्यों, इतनी जोर से कभी नहीं बोले, और वो सब कर रहे कर लूँ सब कर ले कर लूँ के चक्कर में क्या हो गया, यू आर नॉट नेचुरल डिड यू सी दैट, ऐसे डांट दिया मेरे को, तो ऐसे अननेचुरल होके क्या जरूरत है करने की। दैट डे एंड दिस डे आई डिसाइडेड कि वॉट एवर इज कंफर्टेबल, सब कर रहे हैं तो करना जरूरी नहीं है, हाँ और जो प्लेटफॉर्म पे करना कंफर्टेबल लगता है वहीं पे करो, नहीं तो अननेचुरल हो जाओगी। और फिर उस दिन से आज तक मैनी 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 टीचर्स कीप टेलिंग मी कि कुंजल दीदी आर सो नेचुरल, तो आई क्लोज माई आईज एंड आई थिंक कि उस दिन गुरुजी ने जो बोला ना वो मेरे लिए लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स बन गए, कि उनके मुंह से कुछ निकलता है ना तो वो आशीर्वाद ही बन जाते, वो आशीर्वाद ही बन गए कि मैं कोर्स लेती हूँ या मैं रोजिंदा जिंदगी में, लाइक इफ यू मीट मी इन माई डे रूटीन आई एम लाइक दिस, इन द कोर्स आई एम लाइक दिस, तो वो इनबिल्टी हो गया, तो जो जो लूपहोल्स थे ना वो पिन पॉइंट करके, ऐसे जैसे वो एक कांटा होता है ना तो ऐसे हम खुरेद खुरेद के निकाल देते हैं, वैसे हुआ, नो दिस टू थिंग्स वेर एक्चुअली हर्डल फॉर मी आई थिंक इन द स्पिरिचुअल पाथ, कि बहुत सच बोलने के चक्कर में रूढ़ हो सकती थी मैं, और दूसरा कि अगर इफ आई वॉज नॉट नेचुरल देन दिस स्पिरिचुअल पाथ इज ऑफ नो यूज देन इफ आई एम नॉट माई सेल्फ, सो यू नो बस बाकी जहाँ भी गलती हुई, और बहुत सारी सिस्टम है ना हमारी वो गुरुजी ने हम समझाई मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर आई नेवर अंडरस्टूड दिस फाइनेंशियल स्टफ कोर्स के बाद यू नो, तो ही मेड मी ही एक्सप्लेन्ड मी, जैसे पापा कैसा जैसे मैथ्स नहीं आता तो अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया, ये समझ में आया, एडिशन समझ में आया, लाइक दैट यू नो ही विल मेक श्योर दैट आई लर्न इट, क्योंकि मैं किसी को पूछने में मेरे को ना ऐसा घबराहट होती कि किस कोई समझाएगा नहीं समझाएगा, मैं ना मेरा एक प्लान होता था कि मैं ना शक्ति कुटीर जाके बैठ जाती थी और मेरे को जो सोचना है ना ऐसे आई विल जस्ट कीप माय आईज क्लोज एंड थिंक बिकॉज आई न्यू दैट व्हेन आई ओपन माय आईज ही विल आंसर मी, और आज तक मैंने अपनी लाइफ में ना आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी हु इज सो कंपैशनेट सो लविंग सो केयरिंग, और मुझे लगता है कि बस उनके जैसा थोड़ा भी हम बन जाए ना तो ये जीवन तो सार्थक है, नथिंग एल्स आई वॉन्ट इन दिस लाइफ, आई कैन रिफ्लेक्ट अ बिट लाइक माई गुरु, आई कैन बी अ बिट प्राउड फॉर माई गुरु, तब से हाँ तब से फिर आई लर्न कि ऐसे मतलब हर चीज मेरे को ना ऐसे बच्चे बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं वैसे हर चीज मेरे को गुरुजी ने लाइक यू नो ही हैव बीन दैट यू नो लाइक अ फादरली इमेज टू मी, जैसे मैं आश्रम में मुझे बोला रहने के लिए तो मुझे लगा कि ट्रैवलिंग बोल रहे हैं आश्रम में बोल रहे हैं, बोले यहाँ यहीं से ट्रैवल कर लेना बट स्टे इन द आश्रम, और मेरे को ना हर एक दो महीने से ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेवा को लगाएंगे, कभी गार्डनिंग में कभी किचन में कभी टॉयलेट क्लीनिंग में कभी लॉन्ड्री में कभी एडमिन में
कभी हाउसिंग में, कभी वीवीवीआईपी लाइक वो एक टीम होता है, कभी उसमें, और जब भी डालेंगे ना तो मेरे को पहला 10 दिन तो ऐसा लगेगा कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट कि नाउ आई कैन हैंडल दिस डेस्क, वो तुरंत ही शिफ्ट कर देंगे इसको ना उधर रख दो अभी. तो फिर 2 साल में आई रियलाइज्ड कि ही टॉट मी एवरीथिंग दैट अ गर्ल नीड्स टू लर्न व्हेन शी कैन शी हैव टू स्टे होम. मतलब मुझे पता है कि यू नो कि सब्जी को काटना है, वो सब मैं आश्रम में ही सीखी हूँ. यू नो क्लीनिंग कैसे करना है, तो लाइक फादर यू नो ही हैव मेड श्योर दैट आई लर्न एवरीथिंग यू नो बिफोर आई लीव द आश्रम. सो माई एंड ही इज लॉट ऑफ मेमोरीज आर लाइक फादर एंड डॉटर. तो मेरा शादी भी जैसे मैंने ऐसा कहा लाइक आई डिडंट मी ध्वनि एंड निराली वी वेर 3 गर्ल्स स्टेइंग इन द सेम रूम एंड वन फाइन डे वी वेर चैटिंग एंड वी थॉट कि क्यों करनी है शादी, नहीं करते हैं. मतलब हाँ यार बस गुरुजी से ब्लेसिंग ले लेते हैं. तो वी 3 ऑफ अस वी वेंट टू गुरुजी टू आस्क हिम. तो गुरुजी सेड ध्वनि को कि आर यू श्योर, एंड ही डिडंट आंसर एनीथिंग एल्स. और निराली को तो फर्स्ट स्ट्रोक में बोला कि ओके जय गुरुदेव, ब्लेस कर दिया. और मेरा टर्न आया तो मैंने जब बोला गुरुजी को तो गुरुजी बोले अरे तुम्हारी तो शादी कराएंगे. तो मेरे को इतना रोना आ गया. और वो छोटे बच्चे नहीं ऐसे नाराज हो जाते कि अरे इन दोनों को तो आपने हाँ कर दी, मेरे को ही मना कर रहे हो. तो वो बोल तो नहीं सकती मैं, पर ऐसा विचार आ गया मेरे को. तो बोले जो भी सोचना है सोच ले, पर शादी तो कराएंगे. तो मैंने ना मेरे को रोना आ गया कि गुरुजी को मैं सोच रही हूँ मैं ही भारी लग रही हूँ, ये दोनों को तो आपने हाँ कर दी, मेरे को भी हाँ कर दो. तो मन में चल रहा था ऐसा. तो बोले अरे तुम्हारी मर्जी है, नहीं कराता पर कर लोगी तो अच्छा है ना. तो पर तब समझ में आना चाहिए ना. तो मैंने ऐसे ही वॉज रीडिंग हिज ईमेल्स एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. तो रोते रोते ना ऐसे उनके चरणों के पास बैठी थी, तो मेरा सिर ऐसे उनकी गोदी में ऐसा थोड़ा, तो ऐसे टीयर्स वेर रोलिंग डाउन. बोले अरे कितना रोएगी सी, अरे बस करो. तो फिर ही सेड अच्छा सुनो. देन ही सेड यू हैव टू चॉइस, देखो कि तुम्हें इस जन्म में सब कर्म खत्म करके जाने हैं या वापस आना है. यू टेल मी एंड देन वी विल गो अहेड विथ योर डिसीजन. तो मैं एकदम चुप हो गई. मैंने कहा कि गुरुजी अगले जन्म आऊंगी तो मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगी ना, परमात्मा के साथ ही रहना पसंद करेगा कोई, क्यों हम इस झमेले में पड़ेंगे. तो ही सेड यू डिसाइड, कर्म है खत्म करके जाएगी तो गुड फॉर यू. तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो. तो बोले कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना कि कुछ खुद ही भोगने पड़ते हैं, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता. दैट इज अप टू यू नाउ. तो जस्ट ही गेव मी यू नो आई सेड आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स टू डिसाइड, टेल मी राइट अवे. और देखो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग्स मैंने ही दिए मोक्ष का, एक बार मांग लिया था मैंने. गुरुजी बोले क्या चाहिए, बोला मोक्ष ही दे देना जब भी रहे, यू नो वी मर्ज टू योर एनर्जी एंड लीव लाइक दैट. बोले अभी वो फलित करना भी तो मेरा धर्म बनता है, अब तुम बताओ क्या करूं, फिर तुम जैसा बोलो. तो तब मैंने ना ऐसे ही सर ओनली 30 seconds टू थिंक, कम फास्ट. मैंने बोला वॉट एवर यू से गुरुजी, अगर ये बात है तो एक जन्म क्या है, बाकी सारे जन्म वो मिलता है, तो वॉट एवर यू से. बोले ठीक है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी थोड़ी बोल रहा हूँ, व्हेन यू विल गो 24 तब शादी करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है. ही सर एंड यू वोंट बिलीव एग्जैक्टली 24 years I got married. So years back he told me this. So फिर जब शादी भी हुआ तो you know it was like he told me कि कोई है तो बताओ. I said no, आप ही बता दो गुरुजी. बोले मैं किसी को बोलूंगा. मैं बोला हाँ आप किसको भी बोलेंगे ना, आपने बोल दिया तो I will not have a second thought about it. बोले ठीक है फिर हम देखते हैं. और फिर आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी शादी के दिन जैसे एक पापा करते हैं ना कि ऐसे हाथ जोड़ के,
तो जब शक्ति कुटीर में हम गुरु जी को पैर पढ़ने गए, तो जब मैं निकल रही थी तो माई मदर इन लॉ ऑल्सो केम टू टच हिज फीट्स। तो जैसे गुरु जी के पैर उन्होंने पढ़े तो गुरु जी उनको ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, देखो बेटी दे रहा हूँ, हाँ अगर उसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मेरे को इतना रोना रहा था कि ये हाथ जोड़ रहे हैं। फिर बोले कि अगर कुछ नहीं आता है तो उसको सिखा देना, वो सीख जाएगी, ठीक है, उसको प्यार से सिखाना, वो सब सीख जाएगी। तो ऐसे ही वो स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माय मदर इन लॉ एंड ही एक्चुअली स्पोक दिस वर्ड्स। और मेरे आंखों से ऐसे आंसू बह रहे कि अरे यू नो व्हाट डू आई टेल यू, दिस इज यू नो, जब भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कितना भी मैं करूँ ना, एक नहीं कितने जन्मों तक, तो भी कम है व्हाट आई हैव रिसीव्ड। सो दिस इज इट। सो ब्यूटीफुल दीदी, थैंक और वहां से जाने को भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी यू नो हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर मी नाउ, तो मेरा एक दूसरा रास्ता शुरू हो रहा है। तो बड़ा ऐसा अंदर वो हो रहा था, आई कैन फील दैट राइट नाउ। तो मन में ना वो एक ऐसे, मैं दरवाजे से बाहर निकल रही थी और फिर मैं वापस आई और फिर गुरुजी के पैर पड़े। मेरे को ऐसा एक विचार आया कि अरे आज तक तो जब भी आंख खोली ना तो यही सोचते थे कि अभी क्या करने वाले हैं, व्हाट सेवा वी हैव, गुरुजी का स्केड्यूल क्या है, उनको कब मिलेंगे, सत्संग में कब आएंगे। मैंने बोला कि सडनली अब किसी लाइक यू नो गेटिंग स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड और दूसरी दुनिया को भी अपनी दुनिया में कैसे पॉसिबल होगा, यू नो हाउ विल आई बी एबल टू एकोमोडेट न्यू पीपल इन माई लाइफ। जैसे जय है तो माई हस्बैंड यू नो, तो ऐसा विचार आया और मैं गुरुजी के पैर पड़ी और फिर मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने लगा गुरुजी कैसे होगा, और इतना हाथ जोड़ के उन्होंने भेजा ना मेरे को, तो मुझे लगा कि कहीं मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए यू नो उनकी तरफ। तो इट इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि यू नो, तो मुझे ऐसे खड़ा किया और फिर गुरुजी ने बोला ऐसा मत सोच, ठीक है, सबसे पहले ना जय फिर गुरुदेव कम्स, डू यू गेट इट। एंड ही सेड जय गुरुदेव, सो आई विल ऑलवेज फॉलो जय, सो हुम यू आर गोइंग टू फॉलो नाउ, लाइक दैट यू नो। बिफोर आई लेफ्ट शक्ति कुटीर ही मेड इट वेरी क्लियर कि नाउ नेक्स्ट व्हाट। और जैसे फिर बोले कि देखो अभी ना ज्यादा सफेद भी नहीं पहने, जैसे पापा कैसे सलाह देते हैं यू नो अभी सब कलर्स पहनो तुम, ठीक है, लाइक दैट यू नो लॉट ऑफ थिंग्स ही टोल्ड मी, सो डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, ऐसे सब मतलब बहुत कुछ। सो देर आर सो मेनी मेमोरीज, आई फील आई एम सो लकी कि जैसे एज अ ह्यूमन फॉर्म इफ आई सी ही इज माई पेरेंट, ओके, जैसे उन्होंने कहा माँ भी है बाप भी है, ठीक है, ही इज माई ऑल इन वन। पर अगर सदगुरु के फॉर्म में देखे ना तो मुझे इतना ऐसा कृतज्ञ होता है कि आई एम वॉकिंग अर्थ यू नो ऑन द सेम टाइम व्हेन यू नो साक्षात नारायण यू नो डिसाइडेड टू वॉक। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता, आगे पीछे हो जाता, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, यू नो आई एम बीन ब्लेस्ड टू वॉक on the same path you know with him when he is in the life form around us, so there can not be any thing more we can ask being a human। इससे ज्यादा तो मैं कभी एक भी मौका चुकती नहीं हूँ। जैसे यू सेड यू आस्क्ड इन बिटवीन के कैसे कर लेती हो, तो वो जिंक है, मुझे लगता है कि मैं नहीं करूंगी तो गुरुजी तो करने ही आए हैं और करके ही जाएंगे, तो जितना कर सके। और जब मैंने जब भी मन बनाया ना कि मैंने करना है तो नथिंग हैव स्टॉप्ड मी, मतलब ना दैट आर ऑल आई थिंक यू नो समटाइम्स जस्ट द रीजंस कि बच्चे हैं या फैमिली है यू नो, हम अगर पॉजिटिवली सोचते हैं ना तो गुरु मेक्स योर वे क्लीन,
मतलब वो ऐसी दिशाएं खुली रखती है कि चलो बेटा करो, पर अगर मैं ही सोचूंगी मेरे पास टाइम नहीं है कैसे करेंगे, अच्छा बेटा फिर तू आराम कर ले, नो ही इज जस्ट अवर रिफ्लेक्शन व्हाट वी थिंक। तो कभी अगर हम लोग थोड़ा ढीला है ना तो उनकी तरफ से वैसा ही होता है, ही इज जस्ट अ मिरर, तो हम मिरर में खुद को देखते हैं ना, ही इज द सेम, आई फील इट इज जस्ट हियर, यू नो ही इज ऑलवेज देयर टू मेक योर संकल्प फुलफिल। एक बार ऐसे ताव में आके 1008 का बेसिक कोर्स करेंगे ऐसा भी एक संकल्प ले लिया था, और पूरा सेंटर में ऐसा हुआ कि मैंने बोला चलो ये तो करके ही करेंगे ही करेंगे, बस गुरुजी ये करना है। और रात को सोए तो मतलब 9 कम थे, मैंने बोला गुरुजी ये क्या हो गया यार, कुछ तो करना पड़ेगा, सुबह गेट बंद करूं तो 1008 होने चाहिए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर पीपल केम, वो मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, घर पे बोला भी नहीं था और कोर्स में बैठ गई, एंड वी क्लोज्ड द डोर एंड वी वेयर 1008, महेश गिरी जी का मेगा हैप्पीनेस प्रोग्राम किया। सो आई लर्न कि हम जो सोचते हैं ना, और मुझे लगता है कि जब भगवान साथ चल रहे हैं तो छोटा क्यों सोचे, यू नो वी शुड थिंक बिग एंड इट विल हैपन। जैसे अभी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, ठीक है दिस प्लेटफॉर्म अगर अभी मैं ना करूं तो फिर यू नो आई एम मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। बाकी तो सब चलने ही वाला है, इट इज एंडलेस, यू नो वे अनलेस वी लीव दिस बॉडी एवरीथिंग एल्स इज एंडलेस, तो साथ साथ कर ले तो हो जाएगा, नहीं तो फिर यू नो छूटता जाएगा। दैट इज वन रीजन मुझे, मेरा जो यू आर आस्किंग अबाउट कि कैसे होता है साथ साथ, और मुझे हमेशा ये लगा कि गुरु जी को कभी पुट डाउन नहीं करना है, आई नेवर हैव टू शूट और यू नो। और कोई इंटरेक्शन याद है दीदी? याद आ रहा है अभी? हाँ एक बार ना मैंने जैसे पंजाब से एक बार मैं निकल रही थी गुजरात आने के लिए, और वैसे भी ना उस टाइम 96 और 97 आई एम टॉकिंग, उस तरफ ना आई वाज एट द बॉर्डर यू कैन से पंजाब, जो बॉर्डर पंजाब होता है इंडिया पाकिस्तान वाला, तो तब इतना फोन सिस्टम भी नहीं था तो वहां दंगे छिड़ गए, तो ऐसे भी कोर्सेज वगैरह पॉसिबल नहीं था, तो आई थॉट लेट मी गो बैक टू गुजरात एंड डू समथिंग देयर फॉर अ वाइल। तो आई टुक अ ट्रेन एंड इट इज लाइक ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम दैट प्लेस, लाइक ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स, और मैंने गलत ट्रेन पकड़ ली। गलत पकड़ ली तो कोई ना, पर किसी ने टिकट चेक करने के लिए भी नहीं, और मैं लेटते ही सो गई। पता नहीं ऐसी नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं सोई, मेरी नींद ऐसी है ना कि somebody walks outside the house, still I'll get a, उतना अवेक स्लीप है मेरा, पर वो मैं सोई कैसी सोई क्या मालूम। तो सीधा ट्रेन ना मैं जहां जाने वाली थी उसकी जगह अहमदाबाद पहुंच गई, टिकट नहीं पूछा किसी ने, किसी ने उठाया नहीं, मैं भी सोई रही, और ट्रेन ना यार्ड में चली गई। तो क्लीनर्स आते हैं ना, तो क्लीनर्स आए और फिर मेरे को उठाया कि बहन जी घर नहीं जाना है, तो मैंने बोला स्टेशन कौन सा आ गया, तो बोले अहमदाबाद, बोला नहीं नहीं अहमदाबाद नहीं जाना मेरे को आगे जाना है, तो बोले ये आखिरी स्टेशन है और ट्रेन ना 15 मिनट से यार्ड में खड़ी है, आपको उतरना है तो उतर जाओ। तो मैं तो सामान लेके उतरी तो स्टेशन से बाहर यार्ड में थी, फिर मैंने देखा अच्छा चलो अहमदाबाद है तो लेट मी जस्ट गो होम एंड सी माई फैमिली, फिर मैं निकल जाऊंगी। मैं घर पहुंची तो यू नो माई फादर वॉज यू नो वॉज रेडी, उनको उनका एक ऑपरेशन होने वाला था तो उनको एडमिट करना था, 10:30 वॉज द टाइम कि उनको एडमिट करे, एंड 9:30 आई रीच होम। तो वो लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं वहां से निकल गई थी और कहाँ जाने वाली थी उनको भी नहीं पता था,
so they didn't have any further connection to talk to me and I directly landed at home. So my brother said ki are we were you know searching you like anything ki tum pahunch jao, papa ka operation hai 10:30. Tab I remembered guruji telling me years back ki mera vachan hai ki tumhara jab ghar mein zarurat hoga to you'll reach right that moment. तो ऐसा हुआ भी एक बार यू नो कि आई टुक और पूरा सब कुछ गलत, ट्रेन गलत ले लिया, उठी भी नहीं, टीसी भी नहीं आया, बट ही मेड श्योर दैट आई रीच्ड होम एंड दैट इज हाउ यू नो